हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज़ कर्मचारियों के लिए मैं दो बड़े अपडेट देने वाला हूं। आज के दो बड़े अपडेट हैं, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला बड़ा अपडेट है आपके डीए एरियाज़ को लेकर के, साथ ही साथ दूसरा बड़ा अपडेट है आपके जो है इंक्रीमेंट को लेकर के या फिर बेसिक में बढ़ोतरी से लेकर के। दोनों न्यूज़ जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से। और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप सभी को पता है कि 4% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत यानी 4% डीओ और डीआर में बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसका फ़ायदा आपको इस मंथ की सैलरी और पेंशन में मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स कमेंट्स कर रहे थे कि उनका जो जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ का जो डीए एरियर्स है वो कब मिलेगा, क्या वो अप्रैल मंथ की पेंशन या फैमिली पेंशन के साथ ऐड होकर आएगा या फिर आपको बीच में ही दे दिया जाएगा। तो मैं बता दूंगा आपको, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं या बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को जो अपने अपने लेवल पर जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट हैं वो जो है डीए और डीआर का जो है नोटिफिकेशन निकाल चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनकी सैलरी और पेंशन से पहले ही 3 मंथ का एरियर्स उनको दे दिया जाएगा। यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ का जो डीए एरियर्स है वो उनकी सैलरी और या पेंशन या फैमिली पेंशन से पहले ही आ जाएगा। अगर कोई इशू होता है इसमें तो आपको जो है अप्रैल मंथ की सैलरी और पेंशन के साथ में आपको जो 3 मंथ का डीए एरियर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 3 मंथ का डीए का जो एरियर है वो आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दूसरी जो बड़ी खबर है वो आ रही है आपके ऐसे पेंशनर्स के लिए जो जुलाई में रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो जुलाई में रिटायरमेंट होने के चलते उनको कई सारे जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं, वो चाहे डीए एरियर्स हो या जुलाई में जो डीए लगता है, वो सब चीज़ें क्या नहीं मिलेंगी। तो ऐसे में जो है बहुत सारे पेंशनर्स को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है कि ऐसे में उनको जो है उनको बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं जून वाले वो उनको प्रोवाइड सरकार करा सकती है। तो ऐसे में पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो पेंशनर्स जुलाई में रिटायरमेंट होंगे उनको कई सारे बेनिफिट्स से उनको जो है लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में जो है कई सारे पेंशनर्स को अगर ये बेनिफिट्स मिल जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा एक सहूलियत होगी, जिससे पेंशनर्स को कई सारी राहत मिल सकती है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।